गुजरात दे कौमी राजमार्ग 27 ते वकासिया टोल प्लाजा दे नेड़े मोरबी जिला प्रशासन ने एक फर्जी टोल बूथ दा पर्दाफाश करन दा दावा कीता है। पुलिस मुताबक जाली टोल बूथ वाहन चालका तो मामूली रकम वसूल दे सन तां जो असल टोल बूथ नू बाईपास करके NH-27 ते वापस जा सकन। मोरबी पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दिती है। टोटल 5 लोगों ना अगेंस्ट मा नाम जो असी 5 व्यक्तियां विरुद्ध केस दर्ज किया है। इस रैकेट विच शामिल दसे जांदे अणपछाते व्यक्तियां खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले दी जांच चल रही है। नेशनल हाईवे 27 दे नाल लगदी निजी जमीन ते वखरी सड़क बनाई गई सी। ट्रका समेत होर वाहन इस सड़क नू टोल प्लाजा तों बचण दे लई वरतदे सन। खब्बे पासे वकासिया पिंड तो सड़क बनाई गई सी अते सज्जे पासे वाली सड़क व्हाइट हाउस वजो जानी जांदी फैक्ट्री दे अहाते तो बनाई गई सी। मोरबी तो वांकानेर विचाले हाईवे दे खब्बे पासे वकासिया पिंड तो एक कच्ची सड़क बनाई गई। इस सड़क तो छोटे वड्डे वाहन लंघदे सन। इस कच्चे रास्ते नूं वाहन चालकां वल्लों टोल तो बचण लई बदलवीं सड़क वजो वरत्या जांदा सी। सानूं शिकायत मिली सी। डिप्टी SP अते SDM दी अगवाई विच टीमां ने मामले दी जांच कीती। तपास करवावा आवेगी। हर रोज तकरीबन 2000 वाहन इस हाईवे तो लंघदे सन। वाहन चालक सड़क चढ़न लई अते मुख टोल बूथ नूं लंघन दे लई 20 तो 200 रुपए दिंदे सन। दस दिए कि हाईवे ते टोल प्लाजा वाहना दे आकार दे आधार ते वाहन चालका तो 110 तो लैके 595 रुपए तक वसूले जांदे सन। पुलिस दा मनना है कि जाली टोल बूथ चलाउण वालिया ने वाहन चालका तो लखा रुपए हड़पे ने। गांधीधाम ऑफिस पहले था नहीं तो गांधीधाम से ऑफिस से नहीं होती और हम क्या करते हैं कंसेशन पे दे देते। कंसेशनर ने ऑलरेडी एफ आई आर की हुई है और वो कोर्ट केस में चल रही चीज़ें तो मैटर है। ऐसा नहीं एक्शन नहीं हुआ, पहले एक्शन लिए गए हैं, चल रही है चीज़ें वो हो रही। इस घटना ने सियासी बहस छेड़ दी है। 5 मुलजमां दे विचों एक मुलजम पट्टीदार आगू अमरीश पटेल दा पुत्तर है। एक होर मुलजम जयराम पटेल दा पुत्तर है जो कि कुलदेवी मंदिर दे प्रधान हन। हालांकि मुलजमां दे परिवारां ने उन्हां ते लगाए इल्जामां नूं नकारिया है। फैक्ट्री हमारा परिवार नहीं छे, एह साडी फैक्ट्री है पर असी किराए ते दित्ती होई है। सानूं नहीं पता कि मौके ते की हो रहा सी। फैक्ट्री बंद पड़ी थी। अमर सी ना तो साड़ी कंपनी के डायरैक्टर हैं अते ना ही मैनेजिंग डायरैक्टर। उन्हां दा वाइट हाउस फैक्ट्री नाल किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं। अमर सी मेरी एक होर कंपनी संभालते ने अते वाइट हाउस विच उन्हां दी कोई भूमिका नहीं है। इल्जाम है कि नजायज टोल उगराही पिछले कई सालों तो चल रही सी। इस संबंधी शिकायतों के बावजूद सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। मैं इस बारे बहुत समा पहला लिखती अते जुबानी शिकायत दिती सी। इस घोटाले कारण सरकार नूं भारी नुकसान हो रहा है। बहुत मोटो नुकसान था।